को दो हिस्से में डिवाइड करने, वच्छी वच्छा, वच्छे को रखने में किसी किस्म का फायदा नहीं, वो आपका खर्चा ज्यादा करवाएगा, आपको उसका रेट कम मिलेगा, ये हम बहुत दफा कर चुके हैं, इसका तो कोई फायदा नहीं। अब सवाल, लोग कहते हैं कि मिसाल के तौर पर ये गाय है 25 लीटर दूध दे रही है, जरा और सुनिएगा, इसके अंदर आपने सीमन रखवाया, अब ये जो सीमन आप गाय में रखवा रहे हो, इस सीमन से ये जो गाय जिसके अंदर सीमन रखा जा रहा है, अगर अच्छा सीमन रखवाओगे तो गाय अच्छा दूध देगी, निकम्मा सीमन रखवाओगे तो गाय निकम्मा दूध देगी, ये गलत है। याद रखिएगा कि गाय ने फायदा, लेकिन मसला ये कि मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा। क्यों? लोग शौक में गलती करते हैं, लोग नस्ल तो ले लेते हैं लेकिन ना खुराक दे पाते, खुराक में खुद का बंडा खुद का साइलेज, लोग नस्ल तो ले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाइयों मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। हमारे नए फार्मर्स के लिए, मेरे नए डॉक्टर हजरात के लिए आज 5 सवालात, बहुत ही इंटरेस्टिंग मजे के सवालात, वक्त जाया किए बगैर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सुने सवाल नंबर 1। सर जी, एक छोटा सा मेरा सवाल ये भी था कि क्या साहिवाल के जानवर को हम क्लोज अप प्रीफिक्स दे के और सैलेज और बंडे के साथ कुछ अच्छा दूध ले सकते हैं, प्योर अगर साहिवाल में हो या थोड़ा बहुत क्रॉस ब्रीड में हो? और दूसरा ये था कि क्या अगर हम सीमन अच्छा रखवाते हैं, तो मसलन इस दफ़ा हमने सीमन रखवा दिया जानवर को, तो क्या सीमन पर भी डिपेंड होता है कि वो जानवर दूध देगा या नहीं? मसलन बाद ये कहते हैं कि डॉक्टर हजरात के अगर आपने इस जानवर को सीमन अच्छा नहीं रखवाया तो ये आपको दूध नहीं देगा अगले सुबह में, या कम दूध देगा, या सीमन पे डिपेंड हो सकता है वो जानवर? क्योंकि सीमन तो हम अगले जानवर की बच्ची के लिए या बच्चे के लिए रखा रहे हैं ना, तो जिस जानवर से हम दूध इस दफ़ा लेना है हमने, उसको हमने सीमन रखवाया, वो हमारे पास वो उसने बच्चा दे दिया है, ठीक है जी, तो उस सुबह में सीमन पर भी डिपेंड करता है दूध? जनाब अली ये कह रहे हैं कि क्या साहिवाल की गायों को क्लोजअप प्रीमिक्स दे के कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि क्लोजअप प्रीमिक्स जो है हम इस्तेमाल करते हैं भैंसों में भी कर रहे हैं, क्रॉस ब्रीड के जानवरों में भी करते हैं, जोटियों के अंदर भी करते हैं, और अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स के अंदर भी करते हैं। तो इसकी मैं आपको पहले एक प्रैक्टिकल मिसाल दे देता हूँ। यहाँ पर शोरकोट में यह साहब का फॉर्म है, शेख इस्माइल डेरी फार्म, तो वो माशाल्लाह 2016 से जो है वो अपनी साहिवाल पे काम कर रहे हैं। अभी तकरीबन अरसा एक साल हुआ है उनको वलैती गायों पर आए को, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके फार्म पे तकरीबन वलैती गायें आप मिला जुला के 50 के करीब ऐसी हैं जो क्लोजअप प्रीमिक्स पे तैयार हुई, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके फार्म पे जितनी साहिवाल की गायें हैं उन सबको भी क्लोजअप प्रीमिक्स पे तैयार किया गया है। और अगर मैं ये कहूँ कि उस रीजन में वो वाहिद फार्म है शेख जैया साहब का कि जिनके पास इतनी बड़ी तादाद में साहिवाल के जानवर मौजूद हैं जो रेड गोल्ड क्लब के मेम्बर हैं, तो ये गलत नहीं होगा, उनकी एक पहचान है, एक शनाख्त है। तो भाई जान, जानवर को जिसको भी आप क्लोजअप प्रीमिक्स देंगे आपको पता लगेगा कि इस जानवर का पोटेंशियल क्या है, एक्चुअल में इसकी वो क्वालिटी क्या है। मैं बार बार मिसाल देता हूँ, मार्केट से जानवर लेके आ गए, रात का टाइम था, डॉक्टर वकास साहब ले आए, जब वो लेकर आए मैंने कहा ये क्या उठा के ले आए हो, ये बहुत ज़्यादा देसी ब्लड ले आए हो, मतलब वो कहते यार तो आ गई है, रात का टाइम था, पता नहीं लगा। जानवर की तैयारी की गई, अल्हम्दुलिल्लाह उस जानवर ने 23 से 24 लीटर दूध कर दिया, जिससे हम 13-14 से ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो अल्लाह का फजल हो गया। हम इसीलिए कहते हैं कि अपने जानवर की क्लोजअप प्रीमिक्स पर तैयारी लाजमी करवाओ, आपको पता तो चले यार उसका पोटेंशियल क्या है। दूसरा सवाल ये था कि सीमन जो है, अच्छा ये बड़ा अजीब सवाल है, लोग कहते हैं कि मिसाल के तौर पे ये एक गाय है 25 लीटर दूध दे रही है, जरा गौर से सुनिएगा, इसके अंदर आपने सीमन रखवाया, अब ये जो सीमन आप गाय में रखवा रहे हो, इस सीमन से ये जो गाय जिसके अंदर सीमन रखा जा रहा है, अगर अच्छा सीमन रखवाओगे तो गाय अच्छा दूध देगी, निकम्मा सीमन रखवाओगे तो गाय निकम्मा दूध देगी, ये गलत है। याद रखिएगा कि गाय ने बच्चा देने के बाद जो दूध देना है अपनी नस्ल के हिसाब से देना है, सीमन जो आप गाय के अंदर रखोगे वो डिपेंड करता है उसका आने वाला बच्चा कैसा होगा। अगर अच्छा सीमन रखवाओगे तो गाय जो आगे बच्चा पैदा करेगी वो अच्छी नस्ल का होगा, अगर हल्का सीमन इस्तेमाल करोगे तो गाय जो आगे बच्चा देगी वो हल्की नस्ल का होगी, इस गाय के ऊपर सीमन का कोई असर नहीं होगा। ये जरा क्लैरिटी के साथ समझ लें, ये कई सारे लोग मैंने देखा है इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं सवाल नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर साहब मेरे रहनुमाई फरमाएं कि मेरे पास एक अदद फ्रीजियन क्रॉस गाय है जो कि 6 माह की प्रेग्नेंट है और साथ ही उसका दूध खुश्क हो गया है, क्या ये हमेशा 6 माह की प्रेगनेंसी पर दूध खुश्क करेगी या इस दफा ऐसा हुआ है, प्लीज रहनुमाई फरमाएं। ये कह रहे हैं कि फ्रीजियन गाय है, 6 माह की जो है प्रेगनेंट है, मिल्क ट्राई कर गई है,
तो क्या अगले सुबह में भी ऐसा ही करेंगी? तो भैया ये जरूरी नहीं होता, ये जरूरी नहीं होता, ठीक है। अमूमी तौर पे वो जानवर जो दूध जल्दी ट्राई कर जाते हैं, इनका ना दो चीजें इसमें आती है। एक तो बाद अवकात ऐसे होता है कि जानवर को कोई बीमारी आ गई, कोई मेस्टाइटिस का इशू बन गया, कोई सेहत का मसला बन गया, तो जानवर जो है वो ज्यादा लंबा अरसा दूध नहीं दे पाता। मिसाल के तौर पे आप समझ लें कि जानवर को कोई भी इशू नहीं बना, बिल्कुल ठीक है, काफी ठीक रहा, ना साड़ू हुआ, तो फिर दो चीजें आती हैं। नंबर वन, या तो जानवर का लैक्टेशन लेंथ थोड़ा है, सुवे का दौरानिया थोड़ा है। ये हमारी बफलो का यही प्रॉब्लम है कि हमारी बफलो ज्यादा लंबा अरसा दूध नहीं देती, इसीलिए प्रेगनेंसी के बाद कोई तीसरे महीने प्रेगनेंसी पे दूध छोड़ देती है, कोई चौथे महीने, कोई पांचवें महीने। अच्छा, अब इस केस में अगर जानवर का सुवे का दौरानिया ही कम है, ठीक है, तो यहाँ पे मसले का हल क्या होगा? यहाँ पे मसले का हल होता है कि जानवर को बच्चा देने के बाद फौरी तौर पे 60 दिन के अंदर अंदर गबन कर लें। अब अमूमी तौर पे हम कहते हैं 90 दिन में गबन करें। हम कहते हैं ऐसे जानवर जिनका आपको पता है कि इन्होंने 7-8 माह दूध दे के खलास हो जाना है, ऐसे जानवरों को कोशिश करें कि 50 से 60 दिन के अंदर गबन करें, ताकि आपको बहुत थोड़े से थोड़ा अरसा जो है जानवर को खुश्क करके खिलाना पड़े। बेहतर ये है कि जानवरों की नस्ल पे काम करें, जानवरों की लैक्टेशन लेंथ पे काम करें, जानवर ऐसा होना चाहिए जो लंबा अरसा दूध दे। अब मैं मिसाल देता हूँ, शेख यही साहब की मैंने बात की थी अभी, उनके फार्म पे 34 जानवर थे, 31 जानवर हम अल्हम्दुलिल्लाह 31 या 32 हम ब्रीडिंग सीजन में प्रेग्नेंट करने में कामयाब हो गए। अब जो बाकी दो जानवर है ना, मैं उनके बारे में बताता हूँ, वो अभी भी उनको बच्चा दिए 9-10 महीने हो गए हैं, अभी प्रेग्नेंट नहीं हो सके, लेकिन आज भी उनकी दूध की रफ्तार 28 से 29 किलो है। तो यह साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यार अगर 8-9 महीने प्रेग्नेंट नहीं भी हुई तो दूध वो आज भी इतना दे रही है कि वो अपना खर्चा उठा के, एक बच्चे का खर्चा उठा के फिर भी प्रॉफिट आपको दे रही है। तो नस्ल पे काम करना जरूरी है। सवाल नंबर 3, डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी वीडियो हम देख रहे हैं, काफ़ी कुछ सीखा हमने आपकी वीडियो से, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप टाइम निकाल के हमारे लिए वीडियोस बनाते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मेरे पास कुछ क्रॉस की गायें हैं और मेरे पास भैंसें हैं, तो मेरा आपसे सवाल है कि आप कहते हैं कि हमसे पंखा लगाएं और शावर लगाएं जानवर को ठंडा रखने के लिए गर्मियों में, जबकि हमारे पास यहाँ पे कुछ लोग मशवरा देने वाले हैं जी इसको दही में तेल डाल के दें, अब दही तेल जो है बरसात के मौसम में नहीं देना, अब इसको ये फलाना जो है ये शरबत दें, अब इसको ये दें। तो मेरा पूछने का मकसद था आपसे कि अब ठंडा रखने के लिए जानवर को क्या चीज़ देनी चाहिए कि उसे गर्मी ना लगे, आया कि ये जो चीज़ें हैं ये देनी चाहिए। दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन था डॉक्टर साहब के, जो हम लोग वंडा देते हैं, हमने आपकी वीडियो देखते हैं कि खल बंद कर दी हुई है, खल हम नहीं डालते अपने जानवरों को, तो ये जो मसाला होता है ये जो कह देते हैं कि कुछ देर बाद मसाला देना होता है जानवर को, जिसमें ये प्याज अदरक ये मिर्चें होती हैं, इसके अलावा कोई और मसाला, कभी कोई मसाला दे दिया, तो ये देना ज़रूरी होता है कि इसके बगैर भी जानवर सर्वाइव? ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्रॉस की गायें हैं, भैंसें हैं, गर्मी बहुत करती हैं, लोग कहते हैं शक्कर दे दो, दही दे दो, तेल दे दो। तो इससे पहले कि मैं लोगों की बात बयान करूँ, मैं आज से कुछ 3-4 दिन पहले टोबे गया जी एक बकरियों के फार्म पे, क्या क्लास की बकरियां थी जनाब, मज़ा आ गया। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है कि वो वीडियो आप देख चुके हों या इसके कुछ अरसे बाद मैं लगा दूंगा। बकरियां बड़ी कमाल थी। अब वो बकरियां इतना बड़ा बड़ा मुंह खोल के जो है ना वो पेंटिंग कर रही थी और सिर्फ सबस चारा खा रही थी, जंतर जंतर खा के उनका बुरा हाल था, यकीन करें मुंह खोल के जुबान निकाल के जो है ना वो गर्मी मना रही थी। और उनके सामने जो बाल्टी रखी हुई थी पानी वाली, जो टब रखा हुआ था उसमें शक्कर का पानी था, तो मैंने उस ऑनर से पूछा, मैंने कहा बता भाई ये जो लोग कहते हैं शक्कर का पानी दे दो, ये कर दो वो कर दो, आपकी जो बकरियां जो है उनका तो मुंह बंद नहीं हो रहा है, ऐसे अल्लाह हु अल्लाह हु की जा रही है। वो कहता है डॉक्टर साहब तुम्हारी गल ठीक है, इनका एक ही हाल है वो है फैन शावर। तो भाई मेरे गर्मी का एक ही हाल है पंखा शावर, पंखा शावर, पंखा शावर, पंखा शावर। वो दिखाएं जरा, वो सामने एसी लगा हुआ, जो ऊपर करके दिखा दे, वो एसी लगा हुआ देख लें, अगर ये एसी जो है ना इसका हाल अगर हो ना लस्सी, या इसका हाल हो दही, या इसका हाल हो शक्कर, तो मैं क्यों एसी लगाऊं, ये मैं पंखे क्यों लगाऊं? बात को समझिएगा, दही शक्कर या जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो इससे कुछ अफाका ज़रूर होता है, लेकिन 100% ये काम नहीं करती है। अगर आपने अपने जानवर को 100% अपने जो है ना जी वो ठीक करना है तो भाईजान आपको उसको पंखा शावर और माहौल देना पड़ेगा। सुने सवाल नंबर 4, मैं चंद महीनों से आपका चैनल फॉलो कर रहा हूँ, आपकी वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपकी वीडियोस होती हैं। एक्चुअली मुझे कुछ थोड़ी सी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी, अगर आप काइंडली या तो कॉल पर टाइम दे सकें या फिर मैं आपको लोबे लबा इसी पर बता देता हूँ मैसेज पर। एक्चुअली मैं जो है ना कुछ मैंने वीडियोज़ देखी हैं, जो ये मंडियाँ होती हैं पंजाब के अंदर, इसमें हम देखते हैं और यहाँ पे भी कराची में भी मैं कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ पे मंडी में अगर जाना हुआ है तो बहुत छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, वो काफ्स होते हैं, उनको ये लोग सेल कर रहे होते हैं, और बाद वक्त ऐसा होता है कि यहीं पर ही हमारे सामने सामने ही जो है ना उनका मतलब उनकी मौत वाकई हो जाती है। बड़ा जुल्म सा लगता है, बड़ा तरस आता है उनके ऊपर। तो मैं पूछने का मतलब ये था कि क्या ऐसा कोई बिज़नेस है कि इन काफ्स को पाल के हम जो है कोई मतलब ये है कि रेवेन्यू भी जनरेट कर लें
और जो है इनकी नशोनुमा भी हो जाए, ये मरने से भी बच जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं जाते भी होंगे अगर तो बहुत कम के चांसेस होते होंगे बचने के, अगर इनको कोई नहीं लेके जाता। मतलब ले जाते होंगे तो खैर वो तो हमारी तरह केयर करेंगे जैसे हम करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर जैसे नहीं लेके जाता कोई तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेचारे मतलब उनकी नेग्लिजेंस जैसी होती है जिस तरह से वो ट्रीट कर रहे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये बचते होंगे। तो मुझे उस सिलसिले में आपसे थोड़ी सी बात करनी थी कि क्या मतलब ये ऐसा मैं इसको ऐसा साइड बिजनेस करना चाह रहा था, छोटा सा मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी, तो क्या ये बिजनेस करके हम कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं? अच्छा, सवाल नंबर चार से पहले सवाल नंबर तीन का एक सवाल रह गया था, मसाला जात। पिछले सवाल में भाई पूछ रहे थे कि मसाला जात जो है वो दिए जाएँ या नहीं। मैं ये बात बार बार बता चुका हूँ कि अगर आपकी खुराक साफ सुथरी है तो आपको जानवर को किसी किस्म के मसाले देने की जरूरत नहीं है, और ये मैं किताब से नहीं बता रहा। मैंने एक लंबा अरसा 10 साल 300 भैंस रखी है, हमारे पास हमने एक मसाले जात जहाँ भैंसों को नहीं दिया करते थे। चौथा सवाल ये है जनाब के बंदा कहता है कि ये बहुत कराची से हैं, इनकी आवाज़ सुन के मुझे लग रहा है कराची से हैं। ये कहते हैं मंडियों में आप जाते हो और मंडियों में जाके जो बच्चे हैं जनाब वो लोग सेल कर देते हैं। वो बता रहे थे कि वहाँ पर जो है ना जी बाजार में चार चार पाँच पाँच दिन का बच्चा ज़िबा करके और उस बच्चे को जो है वो मटन के तौर पे पेश किया जाता है, तो वो चाहते हैं कि इनके साथ नेकी की जाए, क्यों ना इनको स्लाटर हाउस से बचाया जाए, क्यों ना इनको संभाल लिया जाए, कोई ऐसा बिजनेस मॉडल। तो इसमें ना जी दो राय हैं, एक राय है शौक की और नेकी करने की। अगर तो आप शौक करना चाहते हैं, आप नेकी करना चाहते हैं, आपका दिल दुखता है, आप कहते हैं जुल्म है, तो फिर तो सारी चीज़ें साइड पर करें, चुप करके इन बच्चों को लाएं, पालें और नेकी कमाएं। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, दूसरा एस्पेक्ट है कारोबारी। अब आप अगर कारोबार करना चाहते हो, नेकी भी करना चाहते हो, आप चाहते हो नेकी के साथ साथ कारोबार भी हो जाए, तो भैया एक बात मेरी याद रखिएगा, अगर इन बच्चों में कुछ इतना सा भी फायदा होता ना तो ये कराची का फार्मर कभी छोड़ के ना जाता। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर कारोबारी तबके को पता लग जाए कि गाय के नीचे जो बच्ची या बच्चा मौजूद है मंडी में, अगर ये जात के उनको फायदा देगा तो वो कभी छोड़ के ना जाए। तो भाई जो मसला ये है कि अब इसको दो हिस्से में डिवाइड कर लें, वच्छी वच्छा। वच्छे को रखने में किसी किस्म का फायदा नहीं, वो आपका खर्चा ज्यादा करवाएगा, आपको उसका रेट कम मिलेगा, ये हम बहुत दफा कर चुके हैं, इसका तो कोई फायदा नहीं। अब दूसरा एस्पेक्ट है वच्छियों का। अब वच्छियां भी जो मार्केट में मिलती हैं दो तरह की हैं भाईजान, एक है अच्छी नस्ल वाली और एक है दरमियानी सी पुअर नस्ल वाली। जो अच्छी नस्ल वाली बच्चियां हैं वही ला के आप उसको एक बिजनेस मॉडल के तौर पे चला सकते हैं, लेकिन वो बच्चियां जो देखने में जिनकी नस्ल बता रही है कि ये परफॉर्म करने वाली नहीं है, अगर आप उनको ला के अच्छा दूध पिला के बड़ा कर भी लेते हैं तो आपको दूध के हवाले से वो मुतमईन नहीं करेंगी। जब दूध नहीं होगा, उनका रेट नहीं लगेगा, तो बिजनेस मॉडल नहीं बनेगा। तो ये चीज़ थी, मैंने इसका कारोबारी जो एस्पेक्ट था वो भी बता दिया, शौक का और नेकी का हवाला भी दे दिया, फैसला आपने खुद करना है। आखिरी सवाल, सवाल नंबर जी एक रहनुमाई फरमा दें, मेरे पास ना क्रॉस की गायें हैं तकरीबन 8 से 10, जिनका दूध तकरीबन 25+ है, तो क्या मैं उनको सेल कर अमेरिकन गायों पे आ सकता हूँ? क्या वो बेहतर रहेंगी मेरे, क्या सर इनकी खुराक में और उनकी खुराक में कोई फ़र्क होगा, कोई डिफरेंस होगा? वैसे मैं इनको तो चारा डालता हूँ, चारा वगैरह डाल दिया सब अच्छा, क्या मेरे लिए ये बेहतर होगा कि ये क्रॉस की 10 गायें सेल कर और वो फ्रीजन अमेरिकन फ्रीजन गायें 4 गायें अगर वो रख ली जाएँ तो क्या वो बेहतर होंगी, या ये 10 बेहतर हैं या वो 4 बेहतर होंगी? और जो मेरा दूध यहाँ पे सेल होता है ना सर, वो तकरीबन 150 रुपये में होता है, 150 रुपये के जी। अच्छा, सवाल नंबर 5 ये है, ये कह रहे हैं कि क्रॉस की गाय जो है इनके पास मौजूद हैं 8-10, और ये भाईजान हमारे सेशन देख के इंप्रेस हो गए हैं अमेरिकन गायों से, कहते हैं कि क्यों ना मैं 8-10 सेल कर दूँ और मैं जी वलैती जो है वो ला के डाल दूँ अमेरिकन। क्या ख्याल है? ख्याल तो बहुत अच्छा है। ठीक है, देखिए जी बात ये है कि अगर आप एक हल्की नस्ल से एक बेहतर नस्ल पे जाते हैं तो फ़ायदा ही फायदा है, लेकिन मसला ये है कि मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा। क्यों? लोग शौक में गलती करते हैं, लोग नस्ल तो ले लेते हैं लेकिन ना खुराक दे पाते हैं, खुराक में खुद का बंडा खुद का साइलेज। लोग नस्ल तो ले लेते हैं लेकिन उसकी केयर नहीं कर पाते, ना उसको शेड दे पाते, ना उसको प्रॉपर टेम्परेचर दे पाते। तीसरे नंबर पर ये मेमें होती हैं भाईजान, इनको आपको इतनी केयर करनी पड़ती है जितनी इंसान के बच्चे की केयर, छोटा बच्चा इंसान का बहुत केयर मांगता है। तो मेरे भाई, मैंने इसको रिक्वेस्ट की है कि ना तो आप वो केयर दे सकते हो, ना आपके पास कोई शेड है, ना वो खुराक है, तो ये गायें आके एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद आपके लिए वाले सर बन जाएंगी। अगर आपके पास अच्छा शेड मौजूद है, आप खुराक दे सकते हो, कोई टेक्निकल टीम मौजूद है, फिर जहरी बात है फिर आपको इन वलैती गायों पर ही काम करना चाहिए। लेकिन अगर आपने खुद करना है, डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकते, खुराक भी आप मांगे तांगे के ले रहे हैं, कोई जो आपको अवेलेबल है खुद बना नहीं सकते, तो फिर बेहतर है क्रॉस के जानों पर चलते जाएँ। ये जैसे कि तैसे आपको एक्सपायरी के झटके तो नहीं देती ना, वलैती गायों के अंदर जो है अगर आप पुराना खासा थोड़ा सा भी हफी नफी कर दें एक्सपायरी की शक्ल में, आता भी अभी तकरीबन 15 मिनट पहले
एक डॉक्टर साहब ने मुझसे रब्ता किया, बहुत परेशान थे, बुरे हाल बौके झड़े, कहते डॉक्टर साहब सात गायें थी हमारे पास प्योर, सात में से जो थी वो फार्मर की, तीन गायें एक्सपायर हो गई और सात के सात ने बच्चा दिया, सात के सात ने जेर रोक ली। मसला क्या था, फीडिंग नहीं कर पाए। अब फीडिंग नहीं कर पाएंगे तो ये जानवर आपको वहाँ गिराएंगे जहाँ पे आपकी सोच नहीं होगी। ले जी, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए यूजफुल होगा। दुआएं कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, पांच वक्त की नमाज बाजमात आ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।